गुड मॉर्निंग आप लोग वो एवरीवन। जा रहे हैं क्या? आज है 3 जनवरी और आज हम लोग की पूरी फैमिली की पिकनिक प्लानिंग अरे भाई, बनी है। हाईवे की बात नहीं जगह हम जा रहे हैं वो काफी स्पेशल जगह है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है वो। उस जगह का नाम है नौमी शरणय। मैं आपको वहाँ की जाके वहाँ की सब चीजें दिखाऊंगी। और तो कहते हैं कि सारे तीर्थ स्थल को घूमने के बाद अगर आपने वो जगह नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। इसलिए आज मैं आप लोग को वहीं ले जाऊंगी अपने साथ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तब तक आप बस थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग देखते रहिए बाहर की। ओके संडे की सुबह घूमने निकले और बहुत मजा आ रहा है। काफी सालों बाद पिकनिक मनाने जा रहे हैं। गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस पहुंच ही रहे। देखिए चिड़िया रास्ता पार करके जा रही है। खाओ का बोलिए, आराम से खाओ, कोई चिंता नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं जिम जाती हूँ और कुरकुरे खाती हूँ घर आकर। ये मेरा बेटा है जो सुबह से सैंडविच सैंडविच कर रहा है, उसको जल्दी सैंडविच बना के दे। हो गया हो गया दादा, एक्साइटेड मत हो बाबू, उतार दूंगा यहीं पे। आए आए करता। ये है विश्वजीत प्रताप सिंह सिसोदिया। इनके इतने लंबे नाम है कि उसका कुछ जवाब ही नहीं है। और ये मैं, जो कि मेरा कभी जवाब ही नहीं है। हाय गाइस, चाय पी लो। हाय गाइस, हमने खूब बजाई, चाय पी लो। तो फ्रेंड्स हम नामी शारण ने पहुंच गए हैं और मैं वहां की रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई हूँ नैमिषारण्य में, जो कि काफ़ी अच्छी जगह है और
यहाँ पे आके मन एकदम पवित्र हो जाता है, भगवान का पूरा बसेरा है। कहते हैं कि राम जी सबसे पहले यहीं आए थे, माता सीता भी उन्होंने यही प्रार्थना की थी, यही अपने सुहाग के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। तो अगर आप लखनऊ के हैं तो आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करें, और अगर आप बाहर रहते हैं तो तब भी मैं आप लोग से कहूँगी कि आप लोग इस जगह पर ज़रूर आइए। छोटी जगह है लेकिन बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपनी फैमिली के साथ और यहाँ पर सब लोग आ सकती है, ऐसे ही हो गई है, अकेले आ भी नहीं सकती, गाड़ी नहीं चलाने आती ना। चलो की दुनिया में दो ही तरह के लोग हो, कुख्यात या विख्यात। छह साल पास में यहाँ कुख्यात हो जा। ठीक है, आप जब बैठे हैं तब खाना, अभी नहीं खाना। विक्रम तुम भी बंधवा लो बेटा, बाबू उधर आओ। तो यहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ आई हूँ और हम लोग की आज पिकनिक भी मनने वाली है। बहुत मजा आ रहा है बाबू, मजा आ रहा है ना, बताओ कैमरे में। हाँ मजा आ रहा है। तू भी अपना कर ले। नहीं मैं नहीं करूँगी। ये पंडित विश्वजीत सिंह, ये पंडित आदित्य सिंह, मैं ही खड़े हो रहे हूँ। जय हो। बेटा उस पे अरे आराम से बेटा, ये नहीं घंटी बजा। बेटा घंटी नहीं बजेगी। विक्रम आओ।
देखो देखो इधर चलो आओ अब चलो यहाँ पिकनिक मना रहे बेटा अरे वाह हाँ बेटा बैठ जाओ मम्मी कोई चेयर दे दो अभी नहीं अभी नहीं प्लेट कहाँ रखी है प्लास्टिक वाला चपा 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 वो भी खाना है बेटा वो भी खाना है यहाँ पर पिकनिक का आनंद लिया नए साल में बोलो नए साल में यात्रा पर आए हैं रास्ते में खाने का प्रोग्राम बनाया है बैठ कर खा रहे हैं और इस साल का खूब बच्चों के साथ एंजॉय ले रहे हैं भगवान से प्रार्थना है कि इस साल हम लोग अच्छा गुजरे इस तरह हम आनंद लेते रहे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पिकनिक का खूब एंजॉय लिया और बहुत अच्छा लगा आप लोग भी यहाँ जरूर आइए नैमी शरणाए और यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ पिकनिक का एंजॉय कर सकते हैं। हाँ ये अलग बात है कि जगह आप खुद सिलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आसपास मंदिर के आसपास तो कोई जगह नहीं है तो हमने बस ये कॉलेज के पास ही जगह सिलेक्ट की प्यारे लाल पांडे मेमोरियल इंटर कॉलेज है ये यहीं पे और बहुत अच्छा यहाँ पे अच्छा लग रहा है बहुत क्योंकि ये लोकेलिटी बहुत अच्छी है देखिए अरे हैं हम लोग रोड पार नहीं करेगा है ना सड़ी बाबा खोल दीजिए जूता वाले तो फ्रेंड्स हम लोग नैमी शरण्य से वापस आ गए और मैं काफ़ी थक गई थी इसलिए आने के बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ आप देख ही सकते हो कि मैं काफ़ी थकी हुई लग रही हूँ तो इसीलिए सफ़र बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके हमने छोटी सी पिकनिक भी की और साथ में माता रानी के दर्शन भी की और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा अपनी फैमिली के साथ जाके आप लोग भी अपने परिवार के साथ जाइए और इन्जॉय करिए नए साल में बाहर रहते हैं तो आप एक बार आके यहाँ पे नैमी शरण्य के दर्शन ज़रूर करिए भगवान राम और सीता की वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान राम और सीता जी की वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ जाके पता चलेंगे आपको और फिर मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय गुड नाइट।